अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज हमारे और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली के मौके पर हम आपके साथ शेयर करेंगे सोया खलिया बनाने की रेसिपी। आपने चिकन खलिया, मटन खलिया तो बहुत ही खाया होगा, तो चलिए आज हम सोयाबीन का भी खलिया बनाते हैं, बहुत ही लजीज बनता है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो सोयाबीन का खलिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोया चंक्स लेना होगा, यानी कि सोयाबीन लेना होगा। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम ले लिया है सोयाबीन, इसे हमने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था, ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर बॉयल कर सकते हैं, तो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप ठंडे पानी से धो करके इस तरह से आप स्ट्रेन कर लें, बट आप 1/2 टीस्पून के करीब नमक ज़रूर ऐड करें। तो ये देखिए सोयाबीन का हमने पूरा पानी निकाल दिया है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सी जार ले लेते हैं और कुछ मसाले रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून के करीब हम काली मिर्च लेंगे, 2 हरी इलायची लेंगे, 3 से 4 लौंग लेंगे, दालचीनी का हम 2 टुकड़ा लेंगे, स्टार की हमने 2 कलियाँ ली हैं, 1 बड़ी इलायची लेंगे और थोड़ा सा हमने जावित्री ले लिया है। तो ये हो गए हमारे खड़े मसाले यानी कि गरम मसाले, तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली ले लिया है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें वरना स्किप कर दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। अब सारे पाउडर मसालों को हम मिक्सी जार में डाल देते हैं, क्योंकि खड़े मसालों की क्वांटिटी काफ़ी कम है तो वो बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं हो पाता है, तो पाउडर मसालों के साथ हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम पाउडर सा ग्राइंड हुआ है। तो चलिए एक बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 5 काजू और 1.5 टीस्पून के करीब हमने लिया है वाटरमेलन सीड जिसे 4 मगज बोलते हैं, और थोड़ा सा हमने टुकड़ा लिया है नारियल का जिसके छिलके हमने निकाल लिए हैं और पतले पतले स्लाइस में हमने कट कर लिया है ताकि काफ़ी अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। इससे जो खलिया की ग्रेवी बनती है उसमें काफ़ी थिकनेस आती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसी मिक्सी में हम ये सब मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पहले सूखा ग्राइंड करेंगे, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना स्मूथ और एकदम क्रीमी से ग्राइंड हुआ है। यहाँ पर हम 3 टीस्पून के करीब लेंगे दही, दही बिल्कुल ताज़ी है, खट्टी नहीं है, और 3 प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, प्याज हमने मीडियम साइज का लिया था। तो अब दही और फ्राई किए हुए प्याज को भी हम मिक्सी में डालेंगे और साथ में ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हम 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी लेंगे, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप मसालों के साथ इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो सारे मसाले रेडी हैं, चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब, और हम इसमें सोयाबीन डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोया चंक्स काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम ग्रेवी बनाएंगे इसी कढ़ाई में। तो फिर से हम ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 टीस्पून के करीब, और वैसे भी खलिया बनता है तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, बट फिर भी हमने थोड़ा कम ही लिया है, आप बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा अगर लेना चाहते हो तो। तो हम इसमें सबसे पहले 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और छोटे साइज़ का हमने यहाँ पर 3 आलू लिया था जिसके छिलके निकालने के बाद हमने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। तो आलू को हमने बॉयल नहीं किया है, तो 2 मिनट आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, पेस्ट ऐड करने के बाद भी हम इसे 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। तो अदरक लहसुन के साथ आलू जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। चलिए मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जो है मसालों को भूनते हुए 3 मिनट हो चुका है और मसाला कुछ हद तक मसाला जो है भून चुका है क्योंकि काफ़ी ऑयल रिलीज हो चुका है मसालों से। इस स्टेप पे हम इसमें फ्राई किए हुए सोया चंक्स ऐड कर देते हैं। वैसे हमारे चैनल पर सोयाबीन मंचूरियन, सोयाबीन के कबाब, सोयाबीन ग्रेवी बहुत ही सारे वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको सोयाबीन काफ़ी पसंद है तो। अब हम काजू और कोकोनट का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर हम बाल को साफ़ कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
और फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चा आलू ऐड किया है, तो इसकी भुनाई हम इतनी अच्छे से करेंगे कि आलू भी सॉफ्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सब्जियों को कवर किए हुए 4 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। मसाला ये देखिए काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ पर आपको देखने से ही लग रहा है कि मसालों की काफ़ी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, क्योंकि मसाला जो है काफ़ी दानेदार टाइप हो चुका है, ऑयल पूरा रिलीज होने लगा है मसालों से। तो इस स्टेप पे हम दही और बिरिस्ते का पेस्ट ऐड कर देते हैं। दही बिरिस्ते को भी हम 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। चलिए हम इसे कवर करते हैं। गैस के दूसरे बर्नर पर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए मसाला और भी अच्छा इसका कलर आ चुका है, काफ़ी ठीक लग रहा है। अगर आपको ऐसा ठीक पसंद है तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, बट हम हल्की सी ग्रेवी टाइप बना रहे हैं, उसके लिए हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आलू भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। टोटल हमें 15 से 20 मिनट लगता है ये सोयाबीन का खलिया बनाने में, और बहुत ही लजीज बनता है ये। तो पानी ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही पकने देते हैं ताकि एक अच्छी सी उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसमें बारीक चॉप किया धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। इसे और भी चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस में कटा हुआ हरी मिर्च। तो मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई के बीच में एक प्याली रखेंगे, बीच में हम चारकोल डालेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब घी डालकर तुरंत हम लिड लगा देंगे, और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसका लिड हटाएंगे। मसाला काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है सोयाबीन खलिये से। जब आप पूरे मेथड को फॉलो करते हुए ये सोया खलिया बनाएंगे तो आप यकीन करें आप चिकन खलिया मटन खलिया खाना भूल जाएंगे, इतना यमी बनता है ये। अगर आपके घर गेस्ट आए और आप उन्हें ये सर्व करें तो वो लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और काफ़ी तारीफ करेंगे आपकी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखें। इस सोया चंक्स को आप रोटी के साथ या चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। और जब कभी भी आप इसे ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सोया चंक्स का ही खलिया बना सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।